तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों पिछले महीने हमने देखा था रियलमी की तरफ से रियलमी 11 सीरीज की दो नए स्मार्टफोन जो कि रियलमी 11 प्रो और रियलमी 11 प्रो प्लस के नाम से देखने को मिला था। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं रियलमी 11 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन कैसी होगी, प्राइस क्या होगा, परफॉर्मेंस कैसा है, क्या इस स्मार्टफोन को हमें बाय करना चाहिए या फिर किसी अदर ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्मार्टफोन जो कि 3 वेरियंट में लॉन्च किया गया है। पहला वेरियंट जो कि 8 GB के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है, इसकी प्राइस 24,000 रुपये है। सेकेंड वेरियंट जो कि 8 GB के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है और इसकी प्राइस 25,000 रुपये है। और इस स्मार्टफोन की टॉप वेरियंट जो कि 12 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है और इसकी प्राइस 28,000 रुपये है। और ये स्मार्टफोन दोस्तों 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया था जो कि बेज, हरा और काला रंग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेज और हरे रंग का स्मार्टफोन जो कि लेदर फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे काला रंग का स्मार्टफोन जो कि ग्लिटर ग्लोसी फिनिशिंग में आपको देखने को मिलता है। तो सभी स्मार्टफोन दोस्तों आपको मिड रेंज सेगमेंट में देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों अनबॉक्सिंग की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो बॉक्स के अंदर आपको टाइप सी का केबल मिल जाता है, सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, क्विक गाइड, सेफ्टी गाइड, फोन बैक कवर, यहाँ पे 67 वाट का एडाप्टर भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर डिजाइन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया था जो कि बेज, ग्रीन और ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। पीछे में आपको लेदर का पैनल देखने को मिल जाएगा जो कि फ़ोन में उंगलियों के निशान और दाग से बचाती है। और यहाँ पे दोस्तों आपको पतला सा एक एल्युमिनियम का फ्रेम भी देखने को मिलता है। और आगे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, पीछे लेदर का पैनल देखने को मिलता है। और इस पैनल में दोस्तों आपको एक लाइनिंग देखने को मिलेगी जो कि सीधे कैमरा मॉड्यूल तक जाती है। और यहाँ पे पीछे में दोस्तों आपको सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जिसमें 2 कैमरा आपको देखने को मिल जाएंगे। LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 100 MP OIS भी लिखा देखने को मिलता है। और दाएं साइड में पावर बटन और वॉल्यूम की रोकर देखने को मिल जाएंगे। नीचे की साइड में आपको सिम का ट्रे, माइक्रोफोन, टाइप सी का पोर्ट, यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाता है। ऊपर के साइड में आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके चारों तरफ आपको बेजल देखने को मिलेंगे। और ऊपर की तरफ आपको पंच होल का कटआउट भी देखने को मिल जाता है। तो फोन की स्क्रीन दोस्तों गेमिंग और कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा है। और यहाँ पे दोस्तों इस स्मार्टफोन की थिकनेस जो कि 8.7 mm का है, वेट यहाँ पे 189 ग्राम का है, तो काफ़ी हल्का और काफ़ी पतला है, जिसके कारण दोस्तों ये स्मार्टफोन हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी आरामदायक लगती है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये स्मार्टफोन काफ़ी प्रीमियम लुक में देखने को मिलती है। और डिस्प्ले की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 6.7 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों 950 nits का ब्राइटनेस आपको देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक है, बाहर की रोशनी में काम किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तेज धूप पड़ने पे थोड़ी सी ब्राइटनेस में कमी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले आपको ठीक ठाक मिल जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 6 नैनोमीटर बेस्ड मीडिया टेक डायमेंसिटी 7050 का चिप से देखने को मिलता है। यहाँ पे 12 GB तक का रैम पावर और 256 GB तक का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। तो परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे दोस्तों कई एप्लीकेशन आप एक साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और कॉलिंग के दौरान दोस्तों आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी दोस्तों आपको लैग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कमी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। अगर आप इस स्मार्टफोन में हैवी गेमिंग करते हो दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन में हीटिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे Android 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि Realme UI 4.0 स्क्रीन पर रन करती है। और यहाँ पे दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे डुअल रियल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 100 MP का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और 2 MP के यहाँ पे पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा के लिए 16 MP का कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए स्मार्टफोन ठीक ठाक रहेगा। 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग सपोर्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है जो कि 50 मिनट में बैटरी को फुल चार्ज करती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस स्मार्टफोन को हमें क्यों खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, यहाँ पे कर्व डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया इस स्मार्टफोन मिल जाता है, यहाँ पे प्राइमरी कैमरा काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। और यहाँ पे नहीं खरीदने का कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे ब्लॉटवेयर नहीं है, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम मिलता है, ऑडियो जैक नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है।
तो गाइस आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।